हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर, आई थिंक 9 चैप्टर नंबर है, देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 9, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, मूवमेंट्स एंड रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूली स्टार्ट करना है। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। मूवमेंट इज़ अ कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मूवमेंट तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है, कॉमन फीचर्स हैं। एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ऑल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर टू एस्केप फ्रॉम डेंजर और फॉर शेल्टर। ठीक है, जो जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स या इंसेक्ट्स होते हैं वो सभी मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस। ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, फूड और वाटर के सर्च के लिए, टू एस्केप फ्रॉम डेंजर। ठीक है, किसी भी खतरे को चाहे जितना खतरा हो, खतरनाक जगह हो, और फॉर शेल्टर, और शेल्टर के या शेल्टर के लिए। ठीक है, मतलब कि शेल्टर मतलब तो एक हाउस होता ना। ठीक है, तो शेल्टर मतलब सेट होने के लिए कहीं। ठीक है, प्लांट्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। प्लांट्स तो प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन वो खुद मूव नहीं कर सकता है, एज दे आर फिक्स टू दी सॉइल। ठीक है, हाउएवर सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स सोर्स मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन दी सराउंडिंग इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन सनफ्लावर प्लांट्स द फ्लावर चेंज देयर पोजिशंस टू फेस ऑफ फेस दी सन। जो सनफ्लावर होगा, सूरजमुखी होगा, देखिए उसका जो फेस होता है वो सन के मूवमेंट के साथ क्या होता जाता है, चेंज हो जाता है। जिस साइड पे सन होगा उस साइड पे इसका फेस हो जाता है। द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स इन दी सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। और जो रूट सिस्टम होता है क्या प्लांट्स का, ठीक है, वो डाउनवर्ड साइड ग्रो करता है, ग्रोथ होती है डाउनवर्ड साइड, सॉइल के नीचे अपने डाउनवर्ड साइड। ठीक है, किस लिए, सर्च ऑफ फूड। ठीक है, फूड की सर्च के लिए। लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, जो बहुत सारे प्लांट्स की लीव्स होती हैं, लाइक टच मी नॉट प्लांट कर्ल अप व्हेन टच्ड। ठीक है, जैसे ही आप उसको टच करेंगे, टच मी नॉट प्लांट को, वो तुरंत क्या होगा, कर्ल अप, ठीक है, मुरझा जाएगा। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ठीक है, ये जो फिनोमिनन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, किसके रिस्पॉन्स की वजह से हुआ है, स्टिमुली। ठीक है, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। लिविंग थिंग्स को जो रिस्पॉन्स करता है वो स्टिमुली करता है, और चेंज इन देयर सराउंडिंग्स। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुली और चेंज इन देयर सराउंडिंग। जो लिविंग थिंग्स का जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, या चेंज इन देयर सराउंडिंग्स होता है, वो स्टिमुलीज के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अनोइंगली वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, तुरंत क्या करेंगे, उससे अपने हैंड्स को मूव अवे करेंगे, तेजी से हटा लेंगे। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। इसी को ही क्या बोला जाता है, स्टिमुली का रिस्पॉन्स। ठीक है, कि स्टिमुली ने तुरंत क्या रिस्पॉन्स किया, कि आप हाथ हटाओ, ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट है। ठीक है, दी स्टिमुलस इज द हॉट ऑब्जेक्ट एंड आवर रिफ्लेक्स विच मेक अस टू रिमूव अवर हैंड इज कॉल्ड दी रिस्पॉन्स। ठीक है, जो स्टिमुलस है इज द हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो स्टिमुलस है, एंड आवर रिफ्लेक्स, जो हमारा रिफ्लेक्स करना है, विच मेक्स अस टू रिमूव अवर हैंड, जिसकी वजह से हम अपने हैंड को रिमूव करा पा रहे हैं, इज कॉल्ड दी रिस्पॉन्स। दिस फिनोमिनन इज ऑल्सो सीन इन प्लांट्स। ये फिनोमिनन प्लांट्स में भी सीन होता है। अ प्लांट बेंड्स टूवर्ड्स सनलाइट
ठीक है, प्लांट्स जो होता है बेंड हो जाता है सनलाइट के टूवर्ड्स में फोटो ट्रॉपिजम्स के लिए, एंड रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स ग्रेविटी, ठीक है, जियो ट्रॉपिज्म जिसे बोला जाता है। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच एंड अर्थ वॉर्म आर सीन एट नाइट सिंस दे प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है, वो मतलब लाइट से दूर रहना ही क्या करते हैं, पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमली, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है स्टिमली का। एक ये बहुत अच्छा सा यहाँ पे फैक्ट स्ट्रिप पर है, कॉकरोच एंड अर्थ वॉर्म आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, ठीक है, ये दोनों कैसे एनिमल्स होते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स दैट इज एक्टिव एट नाइट, जो रात के टाइम एक्टिव होते हैं नाइट में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा टू कंट्रोल वाटर लेवल इन लीव्स इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। एक एक्टिविटी भी देख लेते हैं, टू स्टडी रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली इन अ सन फ्लावर प्लांट। सो मटेरियल्स पॉटर सनफ्लावर प्लांट, सिर्फ एक ही लेना है। मेथड क्या करना है, टेक अ सनफ्लावर प्लांट एंड पुट इट इन अ पॉट, पॉट में रख लेंगे, वाटर इज एवरी डे, वाटर करेंगे एवरी डे उस पर। प्लेस द पॉट इन द इन अ प्लेस हैविंग अप्रोप्रिएट सनलाइट, ठीक है, जहाँ पर सनलाइट उसको अच्छे से मिले वहाँ पर रख देंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन द प्लांट मूव टूवर्ड्स द सनलाइट, जो प्लांट्स होता है मूव करता है सनलाइट की सनलाइट के फेस पर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली मींस फोटो ट्रॉपिज्म। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं टॉपिक, डेट क्या है 19/11। ओके, सो कल आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा एंड सैटरडे को क्लास आपकी है नहीं, फिर भी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस जो भी होगा कुछ डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर।